वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम टू मेड बाय मी। आज मैं आपको ब्लूमर सिखाना बता रही हूँ छोटे बच्चों का। ये आप इसमें बड़े में भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। ये मैंने अपनी फ्रॉक तैयार की थी, मैं उसका सेट तैयार कर रही हूँ, उसके साथ की ये है ब्लूमर। तो ये हम जो है इस नेकर को हमने लेंथ लिया है 11.5 इंच। ये देखिए मैंने कपड़ा अपना कट के रखा हुआ है 11.5 इंच, और तकरीबन ये हमारी चौड़ाई जो है ये तकरीबन 7.5 इंच के करीब है, ये देखें पूरी। अब जो है हम इसको जो है हम यहाँ से हम जो लेंगे सिर्फ 7 इंच लेंगे, ये हमारा पाइचा है, ये देखें ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे तकरीबन ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा इलास्टिक वाला है ये है 6.5 इंच, ठीक। ये छोटे बच्चे का है तो ये हम लेंगे 7 इंच, 7.5 इंच, ये हमारा तकरीबन हम लेंगे यहाँ से 8 इंच। ये हमारी ये हमारा जो है इलास्टिक के साथ है ये 8 इंच का ये एरिया हमारा, ये देखें ये मैंने ये पूरा ये ले लिया, ये देखें ये हमने लिया है यहाँ से, ये हमारा है। और ये इसको हम पहले हम यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लिया ये हमारा ये, और यहाँ से हम हल्का सा मूव कर लेंगे बस, ये हमारी। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये देख लें आप इसको, ये हमने लिया है। मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट कर देती हूँ। ये तकरीबन 8 इंच है हमारी ये रुमाली जो है, ऊपर इलास्टिक एरिया हमारा हिप एरिया जो होता है वो 6.5 इंच है, और नीचे हमारा पैंचा जो है तकरीबन वो भी मैंने 7 इंच रखा है। और ये जो हमारा बीच का जो रन का एरिया जो होता है ये हमारा तकरीबन 7 इंच है। अब मैं इसको आपको सीकर दिखाती हूँ। फिर अब मैं सीना शुरू कर रही हूँ इसको, आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी ये सियेंगे इसको, और फिर ये सीकर हम नीचे इलास्टिक लगाएंगे। अब हम इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये हमारा पहला पैंचा है, ये देखें इसको मैंने लिया है, और उसके बाद मेरी इलास्टिक है ये तकरीबन, ये आराम से मिल जाती है मार्केट में, ये लिया है हमने। उसके बाद इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ये देखें यहाँ रखकर इसको हमने फोल्ड करा, और ये इस तरह हमने फोल्ड कर दिया। मेरा पहला पैंचा तैयार हो गया, इसी तरह मैं दूसरे पैंचे में भी करूँगी। इसको हमने ये फोल्ड करा, ठीक है। इसके बाद यहाँ रखा इसको आराम से, और ये करना शुरू करा खींच के इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लग चुकी है, देखिए आप। उसके बाद ये मैंने इसको यहाँ से क्रॉस करा, अब हम इसको इस तरीके से सी लेंगे। ये देखिए ये पहले ये सिला हुआ, ये हमारा ये सिद्ध है।
ये हो गया, ये तकरीबन देख रहे हैं आप हमारी नेक शॉर्ट जो भी है ये अच्छा। ये इलास्टिक हमें इतनी ही बड़ी लेनी है, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो चौड़ाई होती है पूरी सिर्फ उसकी एक साइड हम नापते हैं, वो हमारी इलास्टिक ले लेते हैं हम। अभी मैं इलास्टिक लगा लेती हूँ, देखें हमने रखा है यहाँ पर और ये इस तरीके से। निकाला है छोटे बच्चों ने, हम बीच में इलास्टिक के बीच में सिलाई नहीं लगाते, सिलाई हम किनारे पे लगाएंगे, डबल बूट की सिलाई जिसे कहते हैं वो लगाएंगे इस तरीके से। देखें ये हमारे ब्लूमर खूबसूरत सी तैयार हो गई है। ये हमारी जो फ्रॉक थी, ये हमारी फ्रॉक है, उसके साथ ये हमारी मैचिंग की है। देखें ये हमारी फ्रॉक है और ये इसके साथ की मैचिंग की, ये पूरी हमारी नेकर है। और अगर आप चाहें तो अपनी ये वाली बेल यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर फिर इलास्टिक लगा लें, वो अलग स्टाइल की नेकर होगी। हो सकता है मैं आगे आपको सिखाए वो नेकर ज़रूर। ये देखें ये हमारी रेडी हो गई और आपको यकीनन ये हमारी नेकर पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज़ वेल। थैंक यू सो मच।